हेलो बैंकर्स वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम बैक सो स्वागत आप सभी का एक बार फिर से जी आई पी सी आई पी प्रैपे सो so, जहाँ पे आज के सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डी एफ domestic ओके डोमेस्टिक which इंस्टीट्यूशन विच इज़ आर यूनिट नंबर ट्वेंटी थ्री राइट सो इंडियन फिनेंशियल सिस्टम इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर एंड बैंकिंग लॉस ये तीनों सब्जेक्ट आपका ये तीनों टॉपिक जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया विद इन फोर वीडियोज सो so, आज का टॉपिक है यूनिट नंबर ट्वेंटी थ्री विच इज डेवलपमेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन सॉरी ओके सो डेवलपमेंट फिनेशियल इंस्टीट्यूशन लाइक एग्जिम इसके अलावा आपका द न्यूली बिल्ड वन इज इसके अलावा कुछ आपका जैसे आईसीआईसी एस डी एफ सी एन अदर्स तो जिनके ऊपर हम लोग बात करेंगे सो लेट्स लुक अबाउट द कोर्स कॉन्टेंट सो यूनिट नंबर ट्वेंटी थ्री विच इज डेवलपमेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन So, basic introduction, evolution of um, DFIs, gap in uh, post independence financial system, objectives of DFI, classification, then we have role in Indian economy, changing role um, of DFIs, industrial, so we have a list, Industrial Finance Corporation of India, which was the first DFI in India, so um, 1948, okay. then we have ICICI. Industrial Credit and Investment Corporation of India, uh, IDBI, Industrial Development uh, Bank of India, SIDVI, Small Industrial Development Bank of India, Export Import Bank of India, National uh, Bank for Agriculture and Rural Development, NABAD, NHB, National Housing Bank, and the last or the newly built one is. मिलेंगे जिनको आपको ध्यान रखना होगा ठीक है एंड यू कैन एक्सपेक्ट हाफ मार्क्स टू वन मार्क्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर यूनिट राइट सो गाइज इफ यू टॉक अबाउट डी एफ आईज एक तो देखो इनका क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से रहेगा ठीक है When we talk about Nabart, SIDBI, Exim, uh, NEFBIT So these are uh, uh, development financial institutions which are generally owned by government of India. They generally work as a refinancer. Okay. So basically, they do not deals in uh, uh, borrowing part, they do not accept deposit from the customers. Team, and they do not directly interact with the customers. With the help of bank and other financial institutions, they generally do the refinancing facilities. डेवलपमेंट बैंक या डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन एक पर्टिकुलर एरिया आपका जिसको डेवलप करने के लिए इनको बनाया गया है ठीक है so, सो जैसे नाउ डेज इफ यू टॉक अबाउट बैंक सो इट इज अ कमर्शियल बैंक बैंकोज द बैंकिंग ऑफ लाइक विच फॉलोज द यूनिवर्सल बैंकिंग टाइप इन इंडिया ठीक है बट कुछ कोर डेवलपमेंट बैंक आपके हैं जैसे मैंने आपको लिस्ट काउंट किया फाइव जिसमें मेजर आपका आते हैं ठीक है ठीके? तो आ, ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट्स इनके बारे में जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे और मोस्ट ऑफ जिसमें कहीं कही ना कहीं आप लोग इसमें अवेयर होंगे सो so, देखते हैं क्या क्या क्रेडिट फॉर कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट स्प्रेड ओवर लॉन्ग टर्म पीरियड एंड लोअर यील्डिंग रेट ऑफ रिटर्न सच एज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर माइनिंग हैवी इंडस्ट्रीज एंड इरीगेशन सिस्टम एग्रीकल्चर एंड अदर्स एरिया जैसे अगर हम लोग बात करते हैं फॉर नबार्ट इट एज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इज द की एरिया फॉर हाउसिंग डेवलपमेंट वी हैव एन एच पी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वी हैव एग्जिम ठीक है इसके अलावा जो अदर्स हैरियाज आपका इंडस्ट्रियल क्रेडिट हो या फिर अदर्स में ठीक है दीज आर लो यूल्डिंग आप करिए और रिटर्न आप करिए तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है दैट इज ऑन वी कैन से गवर्नमेंट दे जनरली प्रोवाइड इंटरेस्ट सबवेंशन टू दीज पर्टिकुलर एरियाज दीज आर काइंड ऑफ प्रायोरिटी एरियाज ऑफ प्रायोरिटी एरियाज फॉर इंडियन इकानमी फॉर दी ओवरऑल डेवलपमेंट और फॉर दी ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इंडियन इकॉनॉमी सो देर आर सम सर्टेन एरियाज जो कहीं ना कहीं जिनको टाइमली और एडुकेट क्रेडिट मिलना जरूरी है ठीक है तो वो फोकस करते हुए इनको आपका जो बिल्ड किया गया

कहीं ना कहीं हर एक बैंक आपका जो एक पर्टिकुलर एरिया को फोकस कर रहा होता है ठीक है सो हेयर हैव अ लिस्ट जैसे इंडस्ट्रियल फाइनेंसेशन ऑफ इंडिया मोस्टली आपका एस एम ईस के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एमएसएमई आपका अगेन एस एम ईस ठीक है आपका अगेन इंडस्ट्रीज इन अदर्स ठीक है ये तीनों बैंक बैक टू बैक न इज जनरली फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर एंड इलाइट एक्टिविटीज को फाइनेंस करने का काम करता है रीफाइनेंस कर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हाउसेज के लिए एक्साम आपका एन एच बी फॉर हाउसिंग डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट एंड जनरली फॉर लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे आपका जो जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क है वो आपका हाईवेज है या डैम है या फिर कोई भी अदर आपका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लाइक एयरपोर्ट एंड अदर्स तो इन सब एरियाज को रिफाइनेंस करने के लिए इनको आपका बनाया गया ठीक है सो वट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो अगर आपकी बुक के हिसाब से हम लोग जाते हैं टू सर्व एज एन एजेंट ऑफ डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स लाइक इंडस्ट्री एग्रीकल्चर इंटरनेशनल ट्रेड ठीक है टू एसिलेट ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकॉनमी टू एलोकेट रिसोर्स टू हाई प्रायोरिटी एरियाज टू फॉर्स्टर रैपिड इंडस्ट्राइजेशन पर्टिकुलरली इन प्राइवेट सेक्टर सो एज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज हायर प्रोडक्शन To, force, to foster public-private partnership, to develop entrepreneurship skill, to uh, promote development of rural areas, to uh, finance housing, small- scale industries, infrastructure and social utilities, planning uh, promoting and developing industry, uh, industries to fill uh, the gap in uh, industrial sectors, Coordinating the working uh, of institutions emerge uh, in financing, प्रोमोटिंग और डेवलपिंग इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर इन अदर एरिया ट्रेड रेंडरिंग प्रोमोशनल सर्विसेस सच एज स्टुलेटिंग प्रोजेक्ट आइडियाज अंडरटेकिंग फिजिबिलिटी स्टडी फिजिबिलिटी स्टडीज एंड प्रोवाइडिंग टेक्निकल फिनेंशियल एंड मैनेजरियल असिस्टेंट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ दीज पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सो यहाँ से कहीं ना कहीं हमें समझ में आता है जो डी एफ आईज के जो मेजर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए सो so, लाइक like, जैसे हम लोग आपका एक डेवलपिंग नेशन है देर आर सर्टेन एरियाज जो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इंडियन इकोनॉमी के ओवरऑल डेवलपमेंट में ठीक है अब ये कुछ एरियाज जो कहीं ना कहीं जहाँ पे जैसे नबार्ड आपका जब बनाया गया नाइनटीन के अंदर सो so, उसमें आपका कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर एराइट एरियाज हैं ठीक है ठेके? उनको स्पेशली रीफाइनेंस हो मतलब

जो कैपिटल प्रोजेक्ट है उसमें यहाँ पे काम किया तो जो लॉन्ग टर्म विजन है आपका ओवरऑल डेवलपमेंट का उसमें ये कहीं ना कहीं आपका हेल्प कर रहे होते हैं सो रोल ऑफ डीएफआई इन इंडियन इकोनॉमी अब ये सबको क्लियर हो गया सो इट इज फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हमने पढ़े एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग जैसे नेफेड आपका है ठीक है एक्सपोर्ट प्रमोशन आपका जैसे एक्सिम बैंक आपका है ठीक है हाउसिंग डेवलपमेंट वी हैव एनएचबी फाइनेंशियल इंक्लूजन विद दी हेल्प ऑफ ऑल ठीक है जो भी जितने भी आपके डी एफ आईज है नाबार्ड और जितने भी इंस्टीट्यूशन है ये सब आपका यहाँ पे काम कर सो वी कैन समराइज दिस पर्टिकुलर चार्ट अमंगज पर्टिकुलर स्टेटमेंट ठीक है सो क्लासिफिकेशन अगर हम लोग करते हैं इनका तो बहुत सारे डीएफआई जिनके बारे में हमने बात किया ठीक है सो so, अगर हम लोग डी का क्लासिफिकेशन करते हैं तो पहला डेवलपमेंट बैंक जिसमें आई आपका आई डी बी आई आई सी आई सी आई ठीक है देन वी हैव एस आई सी आई सी आई ठीक है एस सी आई सी आई वी हैव सिड वी वी हैव नैफेड स्पेश आपका बैंक जो फिनेंशियल लैंडिंग में रहते हैं ठीक है एग्जिम नबार्ड आई एफ सी आई टी डी आई सी आई ठीक है इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन लाइक एल एल आई सी एंड यू टी आई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ठीक है जो अभी एक्सिस बैंक में है ठीक है स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन आपका ठीक है स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन और एस आई डी सी ये सारे इंस्टीट्यूशन अलग अलग कैटेगराइजेशन में ठीक है सो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जान लेते हैं ठीक है कई बार अगर क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर पूछा जाएगा बिलीव मी वो इसी में से पूछा जाएगा ठीक है इतना टेंशन आप मतलब आप इतना कंटेंट कवर कर लेंगे सो दैट इज मोर देन सफिशिएंट ठीक है सो अर्ली बिगनिंग नाइनटीन एंड नाइनटीन आपका ठीक है So, first of all, Industrial Finance Corporation of India. It was the first DFI in India, which which get established in 1948. IFCI was the first DFI in India, aimed at uh, providing uh, long-term finance to industrial sector Then, State Financial Corporation, um, uh, State Financial Corporation created under the uh, State Financial Corporation Act, 1951. Uh, SFCs uh, were set up to finance small and medium-sized uh, enterprises in different different uh, locations of the country. Then we have expansion phase 1960s to 1970s, which IDBI 1964 So IDBI bank was established in 1964 uh, to create or to coordinate, uh, sub coordinate and supplement. Uh,

कहीं ना कहीं मर्ज किया सो ऑन एग्रीकल्चर एंड एरियाज देन वी हैव एक्सिम करेंटीन सिक्सर एटी टू ठीक है सो जो भी आपके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट फाइनेंसिंग होती है और इंडिया के जो एक्सटर्नल ट्रेड्स हैं उनको बढ़ाने के लिए ठीक है तो बेसिकली uh, जैसे एक्सपोर्ट्स के अंदर जो फाइनेंसिंग होती है बैंकों को हेल्प करता है कि uh, कहीं ना कहीं वो एक्सपोर्टर्स को आपका लैंड कर पाए ठीक है ठेके? और उनको आपका अलग अलग स्कीम्स के थ्रू या अलग अलग जो जिन एरियाज पे हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं एक्सपोर्ट वाइज या इम्पोर्ट वाइज उनके लिए आपका टाइमली एंड टाइमलीडिकेट क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम करेगा ठीक है फोकस ऑन स्पेसिफिक सेक्टर्स आपका 1990s पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट बैंक बने थे तो जिसमें नबार्ड आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ट्वेल्व ऑफ जुलाई नाइनटीन ठीक है

फोरेशन फाउंडेड इन एच डी एफ सीट नाउलो वर्कमशियल ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया अगर हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं एसे में ठीक है सो हेयर बी है आपका आईसीआई है आई डी बी आई सिर्वी एक्सिम नब्बार एन एच बी और आपका ने न्यूली बिल्ड वन ठीक है तो इसमें ज्यादा मतलब आई एल नॉट से कि आप ज़्यादा टाइम आई सी आई सी एस डी एफ सी इनके ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड ना करें ठीक है हाँ कुछ जैसे ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये आपका भी रिसेंटली बनाया गया और कुछ जैसे आपका नब्बार्ड है एग्जिम है सिडवी है आपका एन है और नेफिड इनकी जो मेजर पॉलिसीज या अदर्स हैं उनको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं ठीक है जैसे एक लिस्ट मैंने आपके आप क्लियर है तो लोन स्कीम अमाउंट लोन अमाउंट एंड लोन टर्म्स ठीक है जैसे यहाँ पे एक चेंज भी है अगर आप लोगों ने इस बार का बजट देखा होगा सो नाउ इट इज फ्रॉम टेन लैख टू हाउ मच ट्वेंटी लैख ठीक है सो ट्वेंटी लैख आपका यहाँ पे ठीक है जैसे मुद्रा स्कीम विच कम्स अंडर दी ठीक है सॉरी सिड बी आपका ठीक है विच इज इट्स अ काइंड ऑफ सब्सिडरी ऑफ सिड बी ठीक है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड आर आई डी एफ इट कम्स अंडर ये यहाँ uh, uh, पे है so, uh, finance, आपका गलत है थ्री हंड्रेड करोड़ रुपीज देन वी है यहां पर दिया जाता है हाउसिंग फाइनेंस आपका अपटू ट्वेंटी लैक्स डिपेंड ऑन दी फाइनेंशियल अप्राइज शिड बी लोन फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर एंटरप्राइज हंड्रेड परसेंट ऑफ द मशीनरी कॉस्ट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम फाइव करोड्स Uh, for uh, a new bank and customers and uh, up to three crores for existing customers. It? So to be loan for purchase of equipment um, uh, for enterprise development phase speed plus a 100%, two crore, three crores. Uh, loan up uh, top up loan for um, immediate purpose, 50% of existing exposures or 20% of total asset. सब्जेक्ट मैक्म ऑफ टू पॉइंट फाइव करोड़ आपका स्टार स्कीम थी ट्वेंटी फंडिंग कैपिटल विद मिनिमम ऑफ ट्वेंटी लैक्स अप टू फाइव इयर्स देन वी हैव सिट बी असिस्टेंट टू फेसिलिटेड इमरजेंसी रिस्पांस अगेंस्ट कोविड और आपका अगेन अनदर वन इज द कोविड वन ठीक है तो अभी इनको आपको कोई ऐसा कोई या इनकी जरूरत नहीं है ये थोड़ा सा इस बार के बजट में चेंज हुआ है तो आने वाले समय में आपको टेस्ट किया जा सकता है ठीक है फंक्शंस ऑफ एक्ज अगर हम लोग एग्जिम के लिए बात करते हैं ठीक है सो प्रिंसिपल फंक्शन अंडर द एग्जिम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक आपका जितने भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हाउसेज हैं ठीक है ठीके? उनको फेसिलिटेट करने का उनको रीफाइनेंस करवाता है थ्रू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ import and export of goods and services from, for, uh, from India financing the import and export of goods and services from countries other than India also the right? import or export know, areas financing the import or export of machine and machinery on lease or higher purchase basis providing refinancing services to bank and other financial institutions for their financing of uh, of foreign trade okay, so, the bank to Providing financial assistance to business, setting up uh, joint ventures in foreign country, providing uh, technical and other assistance um, to importers and exporters, undertaking functions of merchant banks for um, the importer or exporter in transaction of foreign trade, underwriting shares, debentures of uh, companies engaged in foreign trade, uh, ex extending short-term loan or line of credit to foreign banks or governments. Uh, providing uh, business uh, advisory services and export knowledge uh, to Indian exporters in respect of uh, uh, in respect of multi-funded uh, project or uh, uh, project in foreign countries. So these are some key role and responsibilities which are generally uh, uh, played by the Exim Bank, Export Import Banks. So product and services of Exim. So, like your product, mein, buyers credit, aapka de, corporate uh, बायर्स क्रेडिट इज बेसिकली टू दी इम्पोर्टर्स जैसे कोई इंडियन इम्पोर्टर्स आप है वो आपका चीजें इम्पोर्ट करा फ्रॉम अदर्सिंग भी हो सकता है कॉर्पोरेट बैंक ऑफ क्रेडिट आपका अलावा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस और प्रोजेक्ट फाइनेंस सर्विस के अंदर मार्केटिंग एडवाइजरी सर्विसेज रिसर्च एंड एनालिसिस services so these are some services which are generally offered by the बाई to their टू दी इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट होता है uh, मैंने इसका रीजन भी आपको बताया क्योंकि इंट्रोड्यूस किया गया तो इससे प्रोबेबिलिटीज आपकी काफी ज्यादा होती है ठीक है सो अगर हम लोग नेफिट की बात करते हैं सो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट इज अस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन इन इंडिया फोकसिंग ऑन फाइनेंसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे भारत माला प्रोजेक्ट है या कोई भी हाईवे कोई भी कंस्ट्रक्शन ऐसे जो बड़े बड़े होते हैं उनके लिए ठीक है इन फाउंडेड इन 2021 थ्रू दी नेशनल नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट 2021 ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव इज क्रिएटेड टू सपोर्ट दी डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म नॉन रिकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ठीक है नॉन रिकोर्स विद रिकोर्स और विदाउट रिकॉर्ड सो इट इसके अगेंस्ट में कोई कोलेटरल नहीं होते उनके लिए ठीक है कोलेटरल फ्री फाइनेंसिंग आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ बॉन्ड एंड फॉर फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तो ये जो फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उनके लिए आपका जो बॉन्ड्स का अरेन्जमेंट है या आपका डेरिवेटिव प्रोडक्ट स्वैप एग्रीमेंट या अदर्स वो भी उनको भी फैसिलिटेट करने का काम करेगा ठीक है तो मेजर एरियाज आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग सबसे कोर वर्क जो इसका आपका रहेगा प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग लोन गारंटी एंड अंडर राइटिंग डेवलपमेंट फाइनेंसिंग सपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दैट अलाइन विद दी नेशनल प्रायोरिटीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स Uh, catalyzing institutional investment act as uh, uh, a cataly catalyst to uh, attract investment uh, from domestic and international institution in the infrastructure project through so, uh, through the derivative, through bonds or other debt instruments. bond market development play a role in the uh, development of bond market, particularly infrastructure financing se related to bonds. Policy advocacy work closely with the government and the regulators to shape policies related to infrastructure and development financing. Technical assistance and capacity building provide technical assistance, research.

फाउंडेशन वाली चीजें आपकी या कॉन्सेप्ट वाली चीजें आपकी नहीं है विच यू कैन ऑल्सो डू इट विद द योर ओन ठीक है जिसमें अगर आपको एक लिस्ट मिलता है सो जस्ट हैव टू रिवाइज पर्टिकुलर थिंग ठीक है यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट पर्टिकुलर वन सो अब यहाँ पे विच ऑफ़ द फॉल दिच वॉज द फर्स्ट डी एफ आई वॉज सेटअप इन इंडिया तो कौन सा था आई एफ सी आई नाइनटीन फोर्टी एट ठीक है विच ऑफ द फॉलोविंग वुड कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन तो एल आई सी और यू टी आई दो थे तो इसमें आपका एल आई सी हो जाएगा विद दी ऑनसेट ऑफ लिबरलाइजेशन वॉट स्ट्रक्चर वॉज अडोप्टेड बाई डी एफ आई तो क्या हो गया आपका जैसे सिडबी था नॉर्थ सिड बी जैसे आपका आई डी बी आई था आईसीआई था एस डी एफ सी था दे आर स्टार्ट फॉलोइंग यूनिवर्सल बैंकिंग ठीक है सो अब वो सिर्फ डेवलपमेंट पे नहीं बल्कि कमर्शियल बैंकिंग या अदर टाइप ऑफ बैंकिंग भी वो प्रोवाइड करते हैं ठीक है सो दैट इज नोड एज यूनिवर्सल बैंकिंग हाउ मच वॉज द इनिशियल कैपिटल ऑफ आई एफ सी आई सो इट वॉज टेन करोड़

आपका वन ऑफ द पिक्स डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया देन वी हैच बी एग्जिम सिड वी एंड नेफिट नबार्ड और नेफिट ये सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं सिडवी में जो नए इनके चेंजेस हैं वो आप थोड़ा जो करेंट वाला जो पोर्शन होता है या फिर आपका नबार्ड या किसी और का भी कोई स्कीम या आदर्श है सो so, उनको भी थोड़ा ध्यान रखें जो पास्ट में भी थे अभी भी थे कई बार उनको भी वो आपका एग्जामिनेशन में टेस्ट कर लेता मतलब इनके जो नए नए इनिशिएटिव्स हैं they are quite important for your examination purpose but you do not worry about that particular thing uh, during the exam period or even like whenever we will come up with the MCQ sessions so we will cover those particular areas in detail also right तो आज के लिए इतना ही करेंगे ठीक है so this is it from my side I hope you enjoy the session and uh, be regular ठीक है so हर दिन आपका सुबह 6 बजे हम लोग ये session करते हैं जहाँ पे एक topic एक दिन में हम लोग cover करें उसके आराउंड जितने भी required concepts उन सब को हम लोग डिस्क करें विच इज एंड बुक ओके सो आई सी यू टूम फिर से हम लोग आपका मिलेंगे और आ, आपका, अगले दो यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है सो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वन अनदर वन इज एन बी एफ ठीक है ये दो यूनिट बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है खासकर एनबीएफ सीज राइट So, guys, uh, this is it from my side. Thank you for watching this session. Bye bye. Take care, all. Have a nice day. Thank you.